Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, today we are going to study physics of class 10, unit number 13. Today our topic is reflection of light. अब देखें reflection of light, light की reflection का क्या मतलब है? जब light ray किसी source से आती है और किसी दूसरी चीज़ से टकरा कर वापस चली जाती है तो इस फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. जो लाइट रे किसी सोर्स की तरफ से आती है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं और जो टकरा कर वापस चली जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. वो पॉइंट जिस जगह ये टकराती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, जो ये मिरर समझ लें, प्लेन मिरर समझ लें, जो मिरर के साथ 90 का एंगल बना रहा हो तो उस लाइन को नॉर्मल कहते हैं. अब एक एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनेगा, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. और एक जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बनेगा, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. अब आपको ये मैं बता दूँ, इसकी जो डेफिनेशन अगर हम लिखें तो उसको यूँ लिखेंगे, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो जो है वो कानून है, देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एक क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में होते हैं. नंबर दो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई जो है आर के इक्वल होगा. ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं. अब आपको ये बता दूं कि रिफ्लेक्शन की टू टाइप्स होती हैं. एक वो रिफ्लेक्शन जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, एक वो जिसको हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसी रिफ्लेक्शन होती है जिसमें लाइट सोर्स से आने वाली पैरेलल रेज किसी स्मूथ सरफेस से टकरा कर जब वापस आती हैं तो भी पैरेलल ही रहती हैं. लेकिन ये जो रफ सरफेस है इससे जब कोई रेज लाइट सोर्स से आएंगी और वो पैरेलल होंगी, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद उनकी डायरेक्शन एक नहीं रहती, वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती हैं. इसे हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. थैंक यू वेरी मच.